मॉर्निंग फ्रेंड्स, अभी मॉर्निंग के 4:40 हो रहे हैं और आज बच्चों की समर वेकेशन स्टार्ट हो चुकी है और सब जा रहे हैं अपनी अपनी नानी के यहाँ। इतनी जल्दी आज तक पहले कभी उठे हो तुम लोग? सफर के नाम नानी के घर, पहाड़ों के नाम से उठते बच्चे। ये तो ये हमारा रास्ता है जहाँ से हम जा रहे हैं। अभी हमको हल्द्वानी पहुँचना है मेनली। कि थोड़ी देर के ब्रेक के बाद मिलेंगे। अभी हम ढाबे के किनारे पहुंच चुके हैं फिलहाल तो, है ना बाबा? हम रुद्रपुर पहुंचने वाले हैं, 4 किलोमीटर 3 किलोमीटर। सो गाइस, अब हम पहुंचने वाले हैं हल्द्वानी और हल्द्वानी हमारा बचा हुआ है केवल 20 किलोमीटर अप्रोक्स, और इसके आगे थोड़ा सा जगह है वहाँ रुकेंगे हम लोग। उनकी पोजीशन पे साथ आदमी का सही रहेगा, उनको फोन करते हैं। ठीक है, अभी जूलीकोट से ऊपर रास्ते में रुक करके यहाँ पे हमने हल्का सा ब्रेकफास्ट किया हुआ है आज, थोड़ा सा लेट कर दिया। बहुत टेस्टी खाना, गाड़ी के ऊपर पूरा किचन बना रखा, उसके ऊपर बैठने का ही बना रखा है। तो फ्रेंड चलते चलते पहुंच गए हैं ढोकाना वाटरफॉल, और ये बड़ा सुंदर सा बना है। सबसे बड़ी बात क्या है ना, ये नेचुरल है बिल्कुल, और आज से प्योर नेचुरल बिल्कुल। ढोकाना वाटरफॉल, चलते चलते रास्ते में एक वाटरफॉल में रुके हैं। ये अल्मोड़ा से 20 किलोमीटर पहले आता है वाटर, यह ढोकाना वाटरफॉल बहुत ही सुंदर है, नेचुरल है, वो तो नीट एंड क्लीन। सारे बच्चे यहीं हैं पूरी फैमिली को लेके, और ढुकाने वाटरफॉल में बच्चों ने फुल एंजॉय कर रखा है। ये एक थक गई है। सो गाइस, चलते चलते काफी लेट हो गए थे और रात हो गई थी ऑलमोस्ट पहुंचते पहुंचते अल्मोड़ा। और देखिए अल्मोड़े का रात का जो नज़ारा है ना, इसमें ऐसा लगता है जैसे सारे तारे जमीन पर उतर आए हों।